गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा इस मंथ का पहला करंट अफेयर सेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग दोस्तों कवर करेंगे आज का यानी 1 जुलाई का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे और आज की हमारी कंट्री कवर करेंगे। तो इसी नोट पे दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन और सबसे पहले देख लेते हैं हम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों ग्रुप है 27 कंट्रीज का यूरोप की। ये एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन द इंटरनल मार्केट, ये फैसिलिटी जो है यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करवाता है एक दूसरे कंट्रीज को। 1993 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था और इससे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी थी जो 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी, उसको रिप्लेस करा था यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स और 19 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में है उनमें यूरो चलती है, उसको यूरो जोन भी कहते हैं, अपने आप में यूरो जोन कहते हैं उसको, जहां पे 19 कंट्रीज को जहां पे की यूरो करेंसी चलती है। अगर इनके मेंबर्स की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया से लेकर हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड, ऐसे 27 नेशन जो हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। तो आज की जो हमारी कंट्री भी है वो है बेल्जियम। बेल्जियम एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ब्रुसेल इसकी कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे यूरो है। यहाँ के दोस्तों किंग जो है वो है फिलिप और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है सोफिया विलियम्स और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच, फ्रेंच, जर्मन। और ब्रुसेल में ही जो है ब्रुसेल में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है और नाटो का हेडक्वार्टर है। तो इस हिसाब से बेल्जियम और ब्रुसेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखने के लिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जैसे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है वो सोफी विलियम्स है, ऐसे ही मुझे आप दो कंट्रीज के नाम बताइए जहां पे करेंटली कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, वरना पूछिएगा कमेंट के थ्रू अगर आपको पता ना हो तो, मैं आपको आने वाले सेशन में इसका जवाब दे दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडुचेरी। पौंडुचेरी के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? अगर आपको उसका जवाब पता हो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। तो उसका जवाब है वी नारायण सामी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं और करंट चीफ मिनिस्टर हैं पौंडुचेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अली गिलानी ने किस पार्टी का मेंबरशिप क्विट करी है? विच पार्टी दस सैयद अली गिलानी हैज क्विटेड? इसका जवाब दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, फिर आप क्रॉस कीजिएगा। इसका जवाब है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सैयद अली गिलानी जो है ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लाइफ टाइम मेंबर थे, पर किसी कारणों की वजह से उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो है परमानेंटली क्विट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने करतारपुर साहिब को बनवाया था? Which Sikh Guru built the Kartarpur Sahib? Kartarpur Sahib ये पाकिस्तान में है और इस गुरुद्वारे को किसने बनवाया था? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने करतारपुर साहिब को बनवाया था और जो उनकी जिंदगी के जो आखिरी दिन थे जो उनके उन्होंने करतारपुर साहिब में बिताए थे, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है सिख लोगों के लिए। चलिए अब फटाफट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। फ्रांस इंडिया को
इस जुलाई के एंड तक 6 राफेल जो है 6 राफेल प्लेन्स जो है वो डिलीवर करने वाला है। और ये जो डील हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में वो 36 राफेल जेट्स की डील हुई है। और डेसॉल्ट एविएशन जो है, जो फ्रांस की कंपनी है, वो राफेल बना रही है। और अगर यहाँ से हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वो चीफ है इंडियन एयरफोर्स के, और 26th चीफ है वो इंडियन एयरफोर्स के। नेक्स्ट है, एक आप दोस्तों अपन ने आईटीआर के बारे में पहले भी डिस्कस करा है, एक बार और डिस्कस कर देता हूं, और अभी न्यूज में ये क्यों है ये भी अपन डिस्कस करते हैं। आईटीआर यानी द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। ओके, और इंडिया है इसका 7th फुल टाइम पार्टनर। 2005 में इंडिया ने आईटीईआर को ज्वाइन करा था, और इंडिया की तरफ से द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च आईपीआर, जो कि गांधीनगर में है, वो जो है आईटीआर का मेंबर है। 7 मेंबर्स इस प्रोजेक्ट में 7 मेन मेंबर्स हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन खुद एक मेंबर है, मतलब 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की, वो एक कुल मिला के एक मेंबर वो है। फिर इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे 7 मेंबर्स जो हैं इसके आईटीईआर के हैं। आईटीईआर का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और इसके लीडर जो हैं बर्नार्ड बिगोट हैं। अभी ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि न्यूज में इसलिए आया है कि इंडिया ने जो इस एक्सपेरिमेंट का जो है, इस रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम डेवलप करा है, जिसका नाम क्रायोसेट है, क्रायोस्टेट है। इंडिया ने अभी इसके जो लास्ट कुछ पार्ट्स थे क्रायोसेट के, वो डिलीवर कर दिए हैं फ्रांस में। और इस क्रायोस्टेट को जो है बनाया है एलन डी लार्सन एंड टब्रो ने जो है इसको बनाया है। और एक क्रायोस्टेट होता क्या है, बेसिकली ये एक कूलिंग सिस्टम है, और जब रिएक्टर में काफी इमेंस हीट हो जाती है तो उस रिएक्टर को कूल करना पड़ता है, जिसके लिए एक बड़े रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। अगर आसान शब्दों में समझें इसको, तो क्रायोस्टेट जो है वो रेफ्रिजरेशन का काम करता है, कूलिंग का काम करता है। तो इंडिया ने इस कूलिंग सिस्टम को बनाया है, जिसका नाम क्रायोस्टेट रखा है, और उसको इंडिया ने अब डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी है, जिसका नाम रखा है फ्लोटिंग रेट सेविंग 2020 टैक्सेबल स्कीम, और इसकी शुरुआत जुलाई 1 तारीख से होने वाली है, मतलब आज से हो चुकी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.5% का इंटरेस्ट रेट देगी, और ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा, और ये स्कीम जो है वो जुलाई 1 तारीख से चालू हो जाएगी या हो गई है। और इससे पहले एक इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसको सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 में शुरू किया गया था, और 1 जून को उसे बंद कर दिया गया था, जिसमें 7.75 का इंटरेस्ट रेट मिला था। तो उसी स्कीम को जो है रिप्लेस करा है कि फ्लोटिंग रेट सेविंग 2020 टैक्सेबल स्कीम ने। इसमें जो थोड़ा सा चेंज आया है प्रीवियस स्कीम से, वो ये है कि इसमें हर 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, यानी 1 जनवरी को और 1 जुलाई को इसके इंटरेस्ट रेट में जो है चेंजेस हो सकते हैं। और इसका जो इसकी शुरुआत जो हो रही है इसकी, तो इसमें अभी 7.15% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा पहले 6 महीने के लिए। आगे देखते हैं, इंडिया और बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुआ है एलपीजी को लेके, और इंडिया और बांग्लादेश जो है वो 50-50 का, मतलब 50-50 पार्टनरशिप करेगी एक जॉइंट वेंचर कंपनी में फॉर एलपीजी बिजनेस इन बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में जो है ये एलपीजी बिजनेस में इंडिया और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की तरफ से इसमें आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मिडिल ईस्ट एफजेडी है, ये दुबई बेस्ड कंपनी है जो कि इंडियन ऑयल इसे ओन करती है। तो ये इंडिया की तरफ से इस डील में पार्टिसिपेट कर रही है, और आरआर होल्डिंग लिमिटेड जो कि बांग्लादेश की एक कंपनी है, ये दोनों कंपनी है जो आरआर होल्डिंग लिमिटेड की कंपनी है, बैक्सिमको
तो आरएल होल्डिंग जो है ये बैक्सिमको कंपनी की सब्सिडियरी है, वो बांग्लादेश की तरफ से इस डील में है, और ये डील जो है ये एलपीजी बिजनेस करेगी बांग्लादेश में। यहां से बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल यहाँ के ढाका है, प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद है, प्रेसिडेंट यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, करेंसी जो है यहाँ पे टका है, और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है यानी जो यहाँ का पार्लियामेंट है उसे जातीय संसद कहते हैं, संघ 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 सद कहते हैं, मतलब जातीय संसद कहते हैं यहाँ के पार्लियामेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट करा है। इसमें जो लो इनकम ग्रुप है, तमिलनाडु के लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्हें, जो तमिलनाडु के हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग देने का ये एग्रीमेंट करा गया है। इसमें दो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिसमें 200 मिलियन का जो पहला प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ है, और एक प्रोजेक्ट है 50 मिलियन का जो कि तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये जो 200 मिलियन और 50 मिलियन का जो ये लोन है वो वर्ल्ड बैंक की एक पार्ट है, जैसे बोलते हैं हम IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसने ये लोन दिया है, और ये 20 साल का लोन है जिसमें 3.5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके दो पार्ट है, एक होता है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA। IBRD जो है वो जो मिडिल इनकम ग्रुप, जो मिडिल इनकम डेवलपिंग नेशंस है उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो लो इनकम डेवलपिंग नेशन को लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये बात रही वर्ल्ड बैंक की। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहां से कि वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, अभी JNK में के अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, और उस एनकाउंटर में दो टेररिस्ट के मारे जाने की खबर है। अभी विशाखापट्टनम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है पारवाडा, वहां पे अब बेंजीमी डाजोल गैस है वो लीक हुई है वहां पे, और दो लोगों के मरने की खबर है वहां पे। जैसे कि वाइजैग में अभी वहां की एलजी पॉलीमर में गैस लीक हुई थी, तो वहां पर स्टायरिन गैस रिलीज हुई थी जिसकी वजह से वहां पे लोगों की डेथ हुई थी। यहाँ पे जो है जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ पे बेंजीमिडाजोल गैस लीक हुई थी, लीक हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अपनी 4 बजे जो उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने बताया कि जो पीएम गरीब कल्याण योजना है उसको नवंबर के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है 5 मंथ के लिए, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नवंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। अभी पाकिस्तान की मेजर जनरल है निगार जोहर, वो पहली वुमेन ऑफिसर बनी है पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पे प्रमोट किया गया है। तो ये फर्स्ट वुमेन है निगार जोहर जी, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट दी गई है पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, वी सूर्य नारायण जो है वो नए MD होंगे चोला मंडल MS जनरल इंश्योरेंस के, और ये 1 जुलाई से अपना मानी आज से ही ये MD की पोजीशन पे आ जाएंगे। इससे पहले वो प्रेसिडेंट थे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे इसी कंपनी में, तो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि चोला मंडल MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन होंगे, वो होंगे वी सूर्य नारायण जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एशियाज बेस्ट वर्क प्लेस 2020 अवार्ड्स हुए, जिसमें जनरल मिल्स इंडिया है जो कि एक यूएस बेस्ड फॉर्च्यून 50 का पार्ट है, और इसे इंडिया के मतलब एशिया के बेस्ट वर्क प्लेस में चुना गया है, और ये एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका कैटेगरी में जो है, ये जनरल मिल्स इंडिया को एशियाज बेस्ट वर्क प्लेस 2020 का अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा, जनरल मिल्स इंडिया, जो कि एक यूएस बेस्ड फॉर्च्यून 50 जनरल मिल्स इनका पार्ट है, उसकी इंडियन ब्रांच है जनरल मिल्स इंडिया। नेक्स्ट के, अभी पीवी नरसिम्हा राव की 28 तारीख को ही उनका 99th बर्थडे था, तो उसी के ऑनर में गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक स्टैंप रिलीज करने की बात कही है, और यहां से क्वेश्चन बनता है कि पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद में हमने डिस्कशन भी करा है, चैनल पे बात भी करी है, तो आप जरूर इसका जवाब बताइएगा कि पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो कब से कब तक के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आरबीआई ने ऐसा बताया है अपनी रिपोर्ट में कि जो एक्सटर्नल डेब्ट है इंडिया के, जो कि मार्च 2020 ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में हुए रहे हैं, वो रहे हैं 558.5, यानी 558.5 बिलियन जो है एक्सटर्नल डेब्ट रहा है कंट्री का पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और ये फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए जो था उससे 15.4 बिलियन ज्यादा है। इस बार का जो अपना एक्सटर्नल डेब्ट है वो पिछले साल के मुकाबले 15.5 बिलियन यूएस डॉलर ज्यादा है। तो एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है? एक्सटर्नल डेब्ट यानी कंट्री के कर्ज का वो पार्ट जो कि फॉरेन लेंडर से लिया जाता है, जो फॉरेन हमारे यहाँ, हम फॉरेन करेंट कंट्रीज से जो है, फॉरेन कमर्शियल बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, या फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो कर्ज लेते हैं वो एक्सटर्नल डेब्ट कहलाता है, और इस लोन में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, और ये इंटरेस्ट जो है जिस करेंसी से हम बोरो करते हैं, जिस करेंसी से लोन लेते हैं, उसी की करेंसी में उसे ये देना होता है। तो इंडिया पे अभी जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो है 558.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का। नेक्स्ट है, एक स्कीम है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाई है, शिव भोजन थाली। इसके तहत 10 रुपये पर प्लेट में जो गरीब है उन्हें खाना दिया जाता है, और कोविड-19 के टाइम में अभी शिव थाली के जो शिव भोजन थाली के जो रेट है वो 5 रुपये पर प्लेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद की भारत बायोटेक है, इसने सक्सेसफुली कुवा वैक्सीन जो है, यानी कोविड वायरस से फाइट करने वाली वैक्सीन जो है, इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, और उन्होंने ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलके उन्होंने इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन जो है कोविड-19 की वो बना ली है, कोवैक्सीन उसका नाम रखा गया है, और DGCI ने उसके ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अभी अप्रूवल दे दिया है। तो अगर ये ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुल निकलती है तो देख, अब बहुत अच्छी बात है कि इसकी वैक्सीन इंडिया में इजीली मिल जाएगी। तो इस जो हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है, इसका नाम भारत बायोटेक रखा है, बायोटेक है, जिसने कोवैक्सीन करके कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, बस सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एक साबूजा उड़ीसा, ये एक उड़ीसा गवर्नमेंट की पहल है जिसमें वहां की ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए वहां पे एक्सटेंसिव प्लांटेशन करवाया करवाया जाएगा,
1,30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। ऐसे ही हरिता हरम के बारे में हमने डिस्कशन करा था, जिसका सिक्स्थ फेज जो है वो आई थिंक तेलंगाना में शुरू हुआ था। वो ग्रीनरी बढ़ाने के लिए प्लांटेशन ड्राइव उन्होंने शुरू करी थी। ऐसे ही इशाबुजा उड़ीसा है, जिसमें जिसके तहत प्लांटेशन या ग्रीनरी बढ़ाना है स्टेट में, तो उसके लिए इन्होंने 1,30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड चुनी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। दोस्तों आप बताइएगा यहाँ पे कि उड़ीसा के करंट गवर्नर कौन है? अगर आपको उसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्हें रीअपॉइंट कर लिया गया है 1 साल के लिए। उनका टेन्योर अभी खत्म होने होने हो गया था और उन्हें फिर से 1 साल के लिए रीअपॉइंट कर लिया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू करी है इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, जिसका इनॉग्रेशन हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी ने किया। नेक्स्ट है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 2019-20 के लिए 59.5 US बिलियन डॉलर से इंक्रीज हो गया, ऐसा आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो US$59.5 बिलियन से इंक्रीज हो गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 4 चीजों से मिलके बनता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। फॉरेन करेंसी एसेट जो है, जितनी कंट्री फॉरेन करेंसी को होल्ड करती है वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट। गोल्ड आप जानते हैं, जितना कंट्री गोल्ड स्टोर करके रखती है वो उसका गोल्ड रिजर्व बताता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच को अपन देखें तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये इसको आईएमएफ करेंसी बोलते हैं। हर एक कंट्री आईएमएफ की जो मेंबर होती है वो अपना कुछ पार्ट जो है, कुछ कोटा जो है, कुछ वहां पे जमा करती है और जरूरत पड़ने पे उसी कोटे से ये 5 मेजर करेंसीज होती हैं जो आईएमएफ जिसे मानता है, जिसमें US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, येन और यूएन, ये 5 करेंसियों से एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे आप बोल सकते हैं कि ये आईएमएफ की करेंसी है, इसको ऐसे ध्यान रखिए। और जो कंट्री वहां पे स्टोर करती है अपना पैसा या फिर जो करेंसी वहां जमा करती है एक कंट्री अपने आईएमएफ में, उसी के बिहाफ में ये 5 करेंसी से जो है उसे एक्सचेंज किया जाता है जब जरूरत पड़ती है तो। और इसके बाद आता है रिजर्व ट्रेंच पोजिशन। ये क्या होता है, आईएमएफ क्या करता है, किसी भी कंट्री की करेंसी को होल्ड करता है, तो वो होल्ड करी हुई करेंसी और जो आईएमएफ का डेजिग्नेटेड कोटा है उसकी करेंसी होल्ड करने का, उसके बीच डिफरेंस जो होता है वो होता है रिजर्व ट्रेंच पोजिशन। तो ये 4 चीजें होती हैं, जैसे जो कि है फॉरेन करंट एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये चारों को मिला के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए US$59.5 बिलियन से बढ़ गया है। और अब दोस्तों इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई यानी आज के दिन डॉक्टर्स डे है। 6 जुलाई के दिन वर्ल्ड जूनूस डे आने वाला है। 11 तारीख के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 तारीख को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे है और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन और इस मंथ का पहला प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कवर करे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज की हमारी कंट्री जो कि बेल्जियम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
और आप देखते रहिए लिक्विड करंट अफेयर चैनल। कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको इस दौरान इस सेशन में पूछे गए क्वेश्चन के जवाब पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।